तो यारो कैसे हो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आदि पुरुष का टीजर आने के बाद जो पूरा कांड हुआ है, कांड ही कह सकते हैं उसको, कि इतने गंदे VFX, CGI और 500 करोड़ में ये बनाया है, 500 करोड़ का कार्टून, यही सब सुनने को मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या होगा, क्या हमको मूवी ऐसी ही देखने को मिलेगी कार्टून वाली, या फिर इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कैसे। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार आदि पुरुष के साथ अब होगा क्या। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं 500 करोड़ के कार्टून के साथ। तो आदि पुरुष के टीजर को लेकर जो सबसे बड़ी कंप्लेन है वो है इसके VFX और CGI जो कि रियल नहीं लगते क्योंकि वो कार्टूनिस है, क्योंकि मूवी में बहुत से शॉर्ट्स को एनिमेट किया गया है, एनिमेटेड बनाया गया है। मूवी में हमें सिर्फ दो चार कैरेक्टर ही हैं जो कि रियल हैं, नहीं तो जितने भी हमको मूवी में कैरेक्टर्स और लोकेशंस या फिर जो रावण सेना और वानर सेना देखने को मिली है वो सब कुछ 3D एनिमेटेड है, सब कुछ एनिमेशन किया गया है, जिसका यूज इन्होंने लाइव कैरेक्टर्स पर भी किया है, जिसमें कि आप प्रभास का ये उठने वाला सीन और उसी के अगले शॉट में जो हमको ये चलने वाला सीन देखने को मिल रहा है, क्या बोलूं इसके बारे में भाई, ऐसा तो एक्सेप्ट नहीं किया था। और फिर कहते हैं कि ये 500 करोड़ की पिक्चर है। और बात यहीं तक सीमित नहीं रहती क्योंकि इसके बाद आप रावण का ये अजीब सा वाहन देख सकते हो जो कि ना ही तो मुझको ड्रैगन लग रहा है और ना ही उनका पुष्पक विमान है, क्योंकि रावण का तो पुष्पक विमान हम देखते आए हैं लेकिन उसको चेंज कर इन्होंने ये नकली चमगादड़ बना दिया। और उसके बाद जो रावण का लुक देखने को मिला है, कतई मॉडर्न लोंडा बना दिया भाई साहब। तो इसी के साथ अगर आपको आदि पुरुष के VFX और CGI पर और ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर वो देखना है तो लिंक यहीं कहीं ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि आखिरकार अब मूवी के साथ होगा क्या, क्या हमको यही देखने को मिलेगा जो हमको टीजर में देखने को मिला, या फिर इसके साथ अभी भी कुछ किया जा सकता है जिससे कि कम से कम मूवी थोड़ी इंजॉयबल तो हो जाए। तो देखो इसको लेकर जो मेरे खुद के ओपिनियन है वही मैं आपको बताऊंगा, आगे तो जो हमको मूवी में देखने को मिलेगा वो पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये मूवी में ये कर सकते हैं कि जो दो चार हमको लाइव कैरेक्टर देखने को मिले हैं उनको निकाल कर पूरी मूवी को एक 3D एनिमेशन में कन्वर्ट करके फिर मूवी को थिएटर्स में रिलीज करे और एक्सेप्ट करे कि हमने एक 3D एनिमेशन मूवी बनाई है, ना कि लाइव एक्शन, जो कि वो कहीं से लग नहीं रही है। और जहाँ तक बात रही इनके 3D वाले टीजर की, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, वो आपको भी पता होगा कि वो सिंपली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचने की, क्योंकि अब उनके रास्ते बंद हो चुके हैं तो वो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत तो कवर कर ही ले, जो कि होएगा नहीं अगर वो कुछ ना करेंगे। तो पहला तो यही था कि ये आदि पुरुष मूवी को पूरी तरह से एनिमेटेड बना ले, जो कि पहले से भी 70% तो एनिमेटेड है ही। एनिमेटेड या फिर कार्टून बच्चों की मूवी एक्सेप्ट करके इसको बेचेंगे तो भाई होप्स है कि थोड़ा बहुत तो ये कवर कर ही लेगी, नहीं तो ऐसे ही रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा ये ऐसा कर सकते हैं जैसा कि हॉलीवुड के एक बड़े स्टूडियो ने किया था, पैरामाउंट ने सोनिक द हेजोक मूवी के साथ। सोनिक द हेजोक जो कि एक हाफ एनिमेटेड मूवी है जिसमें कि उसका मेन कैरेक्टर सोनिक, जिसको कि मूवी में CGI द्वारा बनाया गया था। और जब सोनिक मूवी का फर्स्ट ट्रेलर आया था तो उसको ऑडियंस और लोगों ने काफी ट्रोल किया था, काफी बैड रिव्यूज आए थे उस ट्रेलर के, जिसमें कि ये कहा जा रहा था जो सोनिक का डिजाइन और एनिमेशन था वो लोगों को पसंद नहीं आया था। तो ये सब देखने के बाद पैरामाउंट स्टूडियो ने क्या किया कि मूवी को डिले कर दिया और फिर से सोनिक के मॉडल और एनिमेशन पर काम किया और उसको बेहतर बनाया, और फिर से 3 महीने बाद उसका सेकंड न्यू वाला ट्रेलर ड्रॉप किया गया था, उसके काफी अच्छे रिव्यूज देखने को मिले, जिसका बाद में स्टूडियो को रिजल्ट भी दिखा, क्योंकि सोनिक द हेजोक हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी वीडियो गेम पर बनी हुई, जिसका रिकॉर्ड अभी 2020 में तोड़ा गया है इसी के सीक्वल द्वारा। तो क्या ऐसा आदि पुरुष के साथ कर सकते हैं? देखो कर तो सकते हैं, लेकिन दोनों की सिचुएशन काफी अलग है। जहाँ सोनिक मूवी को एक स्टूडियो बना रहा था और उस पर और पैसे भी लगा सकता था, लेकिन यहाँ आदि पुरुष को पहले ही उसका बजट मिल चुका है और जो कि उन्होंने लगा भी दिया, तो अब वो आगे से पैसा कहाँ से लगाएंगे और उनको देगा कौन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आधा तो डूब ही चुका है। और जहाँ सोनिक द हेजोक मूवी में सिर्फ सोनिक के मॉडल और एनिमेशन कोई बदलना था, लेकिन यहाँ तो पूरी मूवी की ही लगी पड़ी है। तो जो ये सेकंड वाला रास्ता था, इसमें सब कुछ फिर से प्लान करना पड़ेगा और ढेर सारा पैसा चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो फर्स्ट वाला रास्ता था वो एक अच्छा ऑप्शन है इनके लिए कि पूरी मूवी को एनिमेटेड करके बच्चों की मूवी की तरह बेचे, तब भी यार वो कवर कर लेगी। देखो जहाँ तक मुझको लगता है कि ये इस मूवी के साथ कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही बेचेंगे और झूठ बोलेंगे कि ये 3D में अच्छा है, जितना फर्स्ट 3D
में कवर कर सकते हैं, कवर करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक मुझको लगता है थोड़ा बहुत बजट तो ये कवर कर भी लेंगे, क्योंकि रामायण की एपिक स्टोरी और प्रभास को देखने जा सकते हैं लोग, क्योंकि रामायण की स्टोरी दिलों में बसी हुई है। हालांकि ये इससे भी कई गुना अच्छा कर सकती थी अगर इसको सही से एग्जीक्यूट किया हो, सही से इसका पोर्ट्रेल हुआ होता, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। तो इन सब बातों के बाद आपके आदि पुरुष पर क्या थॉट्स है, आदि पुरुष का क्या होगा, जो भी आपको लगता होगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो अभी आदि पुरुष के ट्रेलर और मूवी का वेट करते हैं, उन पर भी अच्छी खासी बात करेंगे। वो वीडियोस देखनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद। Right.